पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा में गुजरने वाली घग्गर नदी के दूषित पानी को लेकर बीजेपी और इनेलो पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, किसका समाधान नहीं हुआ? मैं हमने पहले भी जब मैं सांसद था उस समय भी हमने जो केंद्र का हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उनसे बात करी थी, हम इसकी बड़ी पहल करी, हमने पंजाब सरकार से भी उस समय चिट्ठियां लिखी, लेकिन अकाली दल की सरकार थी 10 साल वहाँ, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। जो सारा ये गंदा पानी आता है फैक्ट्रियों का, ये पंजाब से आता है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे देश और प्रदेश में सरकार बने और हम इस पूरी घग्गर को, जैसे आज से 40-50 साल पहले स्वच्छ पानी होता था, इसमें कछुए और मगरमच्छ होते थे, वैसे ही दोबारा जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में जल जीवन है, उसको हम बहाल कर सकें। और जो पिछले कई वर्षों में यहाँ पर कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, यहाँ पीने के पानी हेपेटाइटिस बी सी की समस्या है, उसके लिए हम प्रॉपर इलाज करवाएंगे और कैंसर का एक हॉस्पिटल वो सिरसा संसदीय क्षेत्र में हम स्थापित करवाएंगे। अमित तंवर ने जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। और वहीं तंवर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही बीजेपी खत्म होने वाली है। कुछ नहीं, इनकी ट्रीटमेंट का प्लांट लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। इनकी ट्रीटमेंट कर दो बीजेपी वालों की, क्योंकि घग्गर की ना ट्रीटमेंट हुई, ना यहाँ रोजगार मिला, ना यहाँ के किसान को उसके अधिकार मिले। और मैं समझता हूँ कि ये लगातार जो हमने पिछले जब हमारी सरकार थी 9 से 14 जिस तरक्की के साथ हमने पूरा रतिया से लेकर के और पूरे इस संसदीय क्षेत्र को हरियाणा को आगे बढ़ाया था, इस सरकार ने उसके ऊपर ब्रेक लगाने का काम किया, 10 साल हरियाणा को पीछे किया। और इसलिए अब फिर जरूरत है ऐसे नेतृत्व की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसी पार्टी की, ऐसी सोच और विचारधारा की, जो आने वाले 5 साल में 15 साल आगे इस प्रदेश को, इस इलाके को ले जाए। और वो आपके सामने है, कांग्रेस है, कांग्रेस का साथ है। हरियाणा में गुजरने वाली घग्गर नदी के दूषित पानी को लेकर जहां जिला फतेहाबाद में सिरसा में अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, तो वहीं दूषित पानी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सिरसा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस घग्गर नदी के दूषित पानी को लेकर बीजेपी जिम्मेवार है, क्योंकि पिछले 4 वर्ष से बीजेपी घग्गर नदी के दूषित पानी का समाधान करने के बार बार दावे तो करती है और घग्गर पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात भी करती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट लगता नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी का ट्रीटमेंट कर देगी और घग्गर नदी के दूषित पानी का समाधान कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही करेगी। उन्होंने कहा कि जब वह सांसद थे तो उन्होंने इस घग्गर नदी के दूषित पानी का मामला प्रदूषण बोर्ड में उठाया था, मगर उस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार होते हुए अकाली दल ने इसका समाधान नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही इस घग्गर के दूषित पानी का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जेजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन को लेकर चुटकी लेते हुए कहा सिर्फ स्वार्थी गठबंधन है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इनेलो का तो नाम ही नहीं और बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं, बीजेपी का वजूद वैसे ही खत्म होने वाला है। एक जेजेपी का गठबंधन हुआ आपसे और बीजेपी का हुआ अकाली दल से, इसको क्या मानते हो? ये जो गठबंधन है उनकी इच्छा थी, लेकिन सर्वसम्मति से जनता का भी रुझान यही था कि गठबंधन नहीं करना चाहिए, और यही फैसला हमारे पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से लिया। ये पूरी तरीके से अवसरवाद पर आधारित, स्वार्थ पर आधारित ये गठबंधन है, चाहे वो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे और दूसरे दलों का हो। और मैं इतना ही कहूँगा कि सब साथी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि कौन उनका भला कर सकता है। अभी यहाँ से जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कल मैं देख रहा था एक वीडियो, उनसे पूछा गया कि 5 साल में क्या किया, बोले 36 लाख रुपए दिए। भाई 36 लाख चाहिए 5 साल में तो उनको वोट दे देना, और 45,000 करोड़ जो हमने 5 साल में किए थे उसको 1 लाख करोड़ करवाना है तो अशोक तंवर और कांग्रेस पार्टी को दे देना। बाकी तो यहाँ के लोगों को पता है कि किसने क्या किया है और किसने नहीं किया, और इसी के आधार पर जनता फैसला लेगी और कांग्रेस के हक में। रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।